औकात का मतलब यह है कि आपका पैसा के बारे में हम नहीं बोल रहे, औकात का मतलब यह है कि उस तरह के आदमी को आपको खड़ा करना है जो कि अपना पकड़ रखता हो। आप आईएसएफ का इंटाली विधानसभा में जाके पता चलाइए कि कौन खड़ा है, दस आदमी नहीं बता पाएगा। फ्रंट का तैयारी हुआ तो सबसे पहले हम इनका जड़ से बताना चाहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले ये दावा करते थे जब भी अपना जलसा मतलब कौमी जलसा करते थे, इस्लामिक जलसा करते थे, उसमें ये दावा ठोकते थे कि हम 44 से 44 सीट पर खड़ा करेंगे और उसमें जीत करके दिखाएंगे। ठीक है, ये उनका दावा होता था, उनके जो जो मेन है अब्बास सिद्दीकी साहब, ठीक है ना। तो मौका प्रस्त इसलिए बोलेंगे कि जब ये इनका कुछ वीडियो ऑडिट कर एडिट कर करके और बढ़िया से एक ही भीड़ को बार बार अलग अलग से दिखा करके और इन्होंने हैदराबाद भेजा और हैदराबाद वाले को लगा कि इनके प्रोग्राम में तो लाखों लाख का भीड़ आ रहा, वो इनके झांसे में आकर के फुरफुरा शरीफ चले आए। आप फुरफुरा शरीफ में आए तो भाई इतना गिर के आए कि फुरफुरा शरीफ में जो अब्बास सिद्दीकी साहब सोच लिए को अब तो हैदराबाद तो मेरे मुट्ठी में है, ठीक है ना। लेकिन उनको कहीं भी एमआईएम पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर भी क्या बोलते ताक झांक करते रहे और जैसे ही मौका वामफ्रंट और कांग्रेस की तरफ से इनको मिला, ये एमआईएम को छोड़ करके देखा जाए तो लात मार करके वामफ्रंट के साथ गठबंधन में चले गए। लेकिन जैसे ही वामफ्रंट ने इनको 30 सीट दिया और कांग्रेस ने 8 सीट दिया तो पता ये चला कि इनको तो 25 सीट पर कैंडिडेट खड़ा करने का भी औकात नहीं। सबका विश्वास, सबका साथ, अभी क्या हो रहा है, सबका साथ पूरे का विनाश। आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान का क्या हाल है, हिंदुस्तान आज त्राही त्राही कर रहा है, आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं और बोलते हैं कि सोनार बंगला बना देंगे। अरे पहले सोनार बंगला बनाने से पहले पूरा हिंदुस्तान के आवाम का ऑक्सीजन तो दे दो। आपके पास ऑक्सीजन नहीं, आप विदेशों से ऑक्सीजन यहाँ पर से मंगा कर दे, फिर भी दे दे पा रहे बंदर भाट हो रहा। अब हुब्बे रसूल यूट्यूब चैनल हेल्प यू एंजॉय हिज वर्क्स एंड एफर्ट्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड हैव अ फैंटास्टिक। आपको बहुत दिन से देखा हूँ, असरुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी एमआईएम में था, क्या वजह पड़ गया अब? देखिए हम लोग लगभग 2015 से एमआईएम कर रहे थे अनवर हसन पाशा साहब के साथ, और बीच में कुछ इस तरह से माहौल बना बंगाल का कि एमआईएम का नाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा के मुँह से भी निकलना चालू हो गया। लेकिन एमआईएम इस बंगाल में लॉन्च नहीं हुई थी और एमआईएम का जो क्रेज़ था, जो जिस तरह आवाम चाह रही थी कि यहाँ के लोग एमआईएम को, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब प्रचार प्रसार हुआ और क्रेज भी बना। उसके बाद बीच में ऐसा हुआ कि हम लोगों को एमआईएम करने के वजह से जो है स्टेट गवर्नमेंट एनआरसी के मुद्दे पर हम लोग को उठा के जेल में रख दिया गया और जेल भी हम लोग कटे, फिर बाहर निकले, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा कोई बात नहीं। तो राजनीतिक है, राजनीतिक में जेल तो जाना आना लगा रहता है। लेकिन जब हम बिहार इलेक्शन में गए और बिहार इलेक्शन में मैं खुद वहाँ था, किशनगंज में दफ्तरी होटल में जिसमें असद साहब रुके हुए थे, वहीं मैं भी रुका हुआ था जमील हुसैन साहब के साथ, तो वहाँ बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद मैं यही कहा कि देखिए इस अभी बंगाल जाने का मकसद है कि मुसलमानों का वोट बिखरा हो जाएगा, बट जाएगा, तो अभी अगर इस छोड़ दिया जाए और इलेक्शन काउंसलर इलेक्शन लड़ा जाए तो बेहतर रहता। लेकिन उन्होंने एक बोला कि नहीं, मैं एमएलए का फाइट एमआईएम बंगाल में करेगी। तो यही कुछ मुद्दा था, जिस हमें अपने बंगालियत कौम को बचाना था, बंगाल के आवामों को बचाना था, और बंगाल की आवाम तभी बचती जब एकजुट रहेगी। और यही सब बहुत सी बारे हैं, बहुत सी मकसद था जिसकी वजह से हमने अपना किनारा कसी किया और टीएमसी ज्वाइन किया। मतलब एमआईएम के लोगों आपको बहुत पैसे दिया इसलिए एमआईएम छोड़कर टीएमसी में आ गया। देखिए जहाँ तक पैसे का सवाल, अगर कोई भी पैसा लेता ना तो झलकता है। अगर हम पैसे लेते तो हमारे चार चक्का होता, दो चक्का होता, घूमते फिरते, बढ़िया ऑफिस होता, ये वो। बोलने वाला आदमी बहुत कुछ बोलता है, ठीक है ना। इल्ज़ाम लगाना आराम है क्योंकि बिना बैटरी का चार्ज का, बिना चार्जेबल मुंह है अल्लाह ताला का दिया हुआ चमड़ा का, उसको बस पटर पटर करके बोल दो, हो गया, बात ख़त्म है। लेकिन हकीकत यह है कि हम लोगों ने एक भी रुपया ना लिया है किसी टीएमसी के पार्टी से, ना किसी लीडर से, ना किसी से।
हम लोग सिर्फ अपने वजूद, अपने कौम के वजूद के लिए, अपने कौम को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया और आज के डेट में हम सक्सेस हैं, क्योंकि मुसलमानों का एक जुट, एक मुस्त वोट टीएमसी को और गया और टीएमसी की सरकार बन रही है। पश्चिम बंगाल में नया एक राजनीति पार्टी लॉन्च हुआ है, इंडियन सेकुलर फ्रंट। फुरपा शरीफ के जो पीरजादा है अब्बास सिद्दीकी, उसने लॉन्च किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहती हो आप? देखिए, ये आईएसएफ जो जोट किया है, सीधी सी बात यह है जो है मौका परस्त है। अब बोलिएगा कि मौका परस्त कैसे बोल रहे हैं, जब इनका फ्रंट का तैयारी हुआ तो सबसे पहले हम इनका जर से बताना चाहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले ये दावा करते थे, जब भी अपना जलसा मतलब कौमी जलसा करते थे, इस्लामिक जलसा करते थे, उसमें ये दावा ठोकते थे कि हम 44 से 44 सीट पर खड़ा करेंगे और उसमें जीत करके दिखाएंगे। ठीक है, ये उनका दावा होता था, उनके जो जो मेन हैं अब्बास सिद्दीकी साहब, ठीक है ना। तो मौका परस्त इसलिए बोलेंगे कि जब ये इनका कुछ वीडियो ऑडिट कर एडिट कर करके और बढ़िया से एक ही भीड़ को बार बार अलग अलग से दिखा करके और इन्होंने हैदराबाद भेजा और हैदराबाद वाले को लगा कि इनके प्रोग्राम में तो लाखों लाख का भीड़ आ रहा, वो इनके झांसे में आकर के फुरफुरा शरीफ चले आए। अब फुरफुरा शरीफ में आए तो भाई इतना गिर के आए कि फुरफुरा शरीफ में जो अब्बास सिद्दीकी साहब सोच लिए को अब तो हैदराबाद तो मेरे मुट्ठी में है, ठीक है ना। लेकिन उनको कहीं भी एमआईएम पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर भी क्या बोलते ताक झांक करते रहे और जैसे ही मौका वामफ्रंट और कांग्रेस की तरफ से इनको मिला, ये एमआईएम को छोड़ करके देखा जाए तो लात मार करके वामफ्रंट के साथ गठबंधन में चले गए। लेकिन जैसे ही वामफ्रंट ने इनको 30 सीट दिया और कांग्रेस ने 8 सीट दिया तो पता ये चला कि इनको तो 25 सीट पर कैंडिडेट खड़ा करने का भी औकात नहीं है। औकात का मतलब यह है कि आपका पैसा के बारे में हम नहीं बोल रहे, औकात का मतलब यह है कि उस तरह के आदमी को आपको खड़ा करना है जो कि अपना पकड़ रखता हो। आप आईएसएफ का इंटाली विधानसभा में जाके पता चलाइए कि कौन खड़ा, 10 आदमी नहीं बता पाएगा, जो कि सेंट्रल कोलकाता में आता है, इंटाली विधानसभा में आईएसएफ का खड़ा है। आपको आप आसनसोल में खड़ा के मलक घटक के सामने कौन सा आदमी का काम खड़ा किया आपको मालूम है? जो आदमी चोरी और क्या बोलते हैं चोरी करने और फोर्जरी करने के एवज में 8 महीना जेल में रह रहा है, उस आदमी को आपने टिकट दिया। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमसे पता चलाइए कि कौन आदमी को आपने टिकट दिया। क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है, अब्बास सिद्दीकी ने 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे करके सीट बेचा है, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? नहीं देखिए, ये 10 लाख 20 लाख 50 लाख 25 लाख वो तो हमेशा से लेते हैं, जब पार्टी में नहीं बीते तब भी तो ले रहे थे, अपने मुरीद से लेते ही थे पहले भी। अब भाई मीटिंग में अब जैसे वो नॉलेज टाउन बना रहे थे, क्या सिटी बना रहे थे, तो उसमें भी 500 रुपया आएगा ईटा लेके आओ, तो तुमको तो लेने का आदत है, तो पहले खुदरा खुदरी लेते थे 100-200 रुपया लेते थे, अब पार्टी बना लिए हैं तो 10-20 लाख रुपया ले रहे हैं, तो उसको कौन सा भारी बात, उनको तो लेने का आदत है शुरू से, ये तो नया बात कुछ तो नहीं है। इसमें कोई दूर आय की बात नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ तक तो ऐसा था कि बीजेपी का यहाँ कैंडिडेट तो दूर दूर तक नजर नहीं आया, जैसे वालीगंज में विधानसभा में हम कभी देखा भी नहीं कि बीजेपी का कैंडिडेट कोई घूम रहा हो। दूसरी बात है कि कोई भी पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ पर हमने देखा कि मतलब 99% पोलिंग बूथ पर बीजेपी का पोलिंग एजेंट नहीं बैठा, तो इससे बात समझ में आ सकता है कि बीजेपी, देखिए बीजेपी का एक जो इलेक्शन कमिश्नर द्वारा जो ये सेटअप किया गया था कि फर्स्ट चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ये जहां बीजेपी थोड़ा बहुत मजबूत थी उसके आधार पर इलेक्शन कमिश्नर भी उसी तरह से काम किया, जहां पहला चरण था वहां थोड़ा मजबूत था, दूसरा ये हवा बनाने का एक तरीका बनाया गया था कि पहला दूसरा तीसरा में हवा बनाएंगे तो धीरे धीरे करके हवा बन जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पास आदमी नहीं है, कैंडिडेट नहीं है खड़ा करने का, बीजेपी के पास पूरे बंगाल में कैंडिडेट 294 खड़ा करने का नहीं है। अगर कैंडिडेट आपको पास खड़ा करने का होता तो आप MP, आपके रनिंग MP, रनिंग मिनिस्टर को आपने काहे MLA में खड़ा कर दिया, आप एक नहीं दो नहीं चार चार MP को खड़ा कर दिया, इससे साबित हो गया कि आपके पास आदमी नहीं है।
इस बार इलेक्शन में देगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कोई किराया काटते ऐसे में तो चक्कर लगा रहे पश्चिम बंगाल में। देखिए प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो ठीक है ना, या इनके कुछ मुख्यमंत्री हो, इनका मकसद होता है कि जीतना, और जीतने के मकसद से एक चक्कर लाना लगाने के दूर की बात। हम तो बहुत बार अपने भाषण में बोले थे कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को चाहिए कि दिल्ली से ऑफिस हटा करके अभी कलकत्ता शिफ्ट कर ले और दो चार छः महीना तक कलकत्ता में शिफ्ट रह जाइए, रोज का पैसेंजर डेली ट्रेन में जो रहता है ना कि डेली ट्रेन पैसेंजर जो रहता है डेली वाला वो अपना सीट के पीछे लिख देता है ये मेरा नंबर है यहाँ पर हम ही बैठेंगे। तो इनको यहाँ रह जाने से क्या होता कि आप आपको यहाँ प्रचार करने में भी आराम होता और आने जाने का टेंशन भी खत्म हो जाता और ऑफिस का जो कार्यालय का काम होता है वो काम आप कर लेते। देखिए मकसद ये नहीं है, मकसद आप जो 7 साल में जो बीजेपी की सरकार आपने काम किया क्या क्या मकसद लेकर आप आए थे, सबका विकास सबका विश्वास सबका साथ, अभी ये क्या हो रहा है सबका साथ पूरे का विनाश। आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान का क्या हाल है, हिंदुस्तान आज त्राही त्राही कर रहा है, आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं और बोलते हैं कि सोनार बंगला बना देंगे। अरे पहले सोनार बंगला बनाने से पहले पूरा हिंदुस्तान के आवाम को ऑक्सीजन तो दे दो, आपके पास ऑक्सीजन नहीं, आप विदेशों से ऑक्सीजन यहाँ पर से मंगा के दे फिर भी दे पा रहे, बंदर बाट हो रहा। आप एक दिन में 500 आदमी जो यूपी में जलाया जा रहा है ये रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुगाड़ मतलब कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया है, उनका कोई मतलब पीए वगैरह होगा, बोला अभी प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव के लिए बिजी है बाद में बात करेगा आपका। अब बताइए मतलब बंगाल का चुनाव इनके लिए जो है महामारी से ज़्यादा मायने रखता है। अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनको फ़ोन करता है कि हमको ऑक्सीजन चाहिए हमको कुछ बात करनी है, तो इनको उत्तर मिलता है कि आप अभी बंगाल में बिजी हैं इलेक्शन प्रचार में, आप बाद में बात करिएगा। एक बात बताइए ऑक्सीजन के लिए आदमी मर रहा है उनको बाद में बात किया जाएगा, वो मतलब इंतजार करेगा कि हाँ ठीक है इलेक्शन हो जाएगा तो हम मतलब ये जो है मूर्खों की टोली है, ये सरासर जितने भी मूर्खानंद सब बैठे हुए हैं और कुछ परसेंट हिंदुस्तान की आवाम जो 30% 32% हिंदुस्तान के मूर्ख आबादी वाले आवाम ने इस महामूर्ख को चुनकर हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठा दिया और उसी का ये नतीजा है कि आज हिंदुस्तान विनाश विनाश और विनाश होते जा रहा है और इसको रिकवर करने में आने वाले 50 साल लगेंगे। जो कुछ अच्छे प्रधानमंत्री होंगे तब हिंदुस्तान फिर रिकवर हो पाएगा, नहीं तो रिकवर होने का कोई अभी सवाल नहीं पैदा उठता। आपका नाम? मेरा नाम मुर्शिद अहमद। आपका घर? एलियट लेन पार्क स्ट्रीट 61 नंबर वार्ड। आपने टीएमसी में कौन सी चीज़ में लाइट करनी? मैं टीएमसी में स्टेट लेवल का स्टेट सेक्रेटरी हूँ माइनॉरिटी सेल का। ओके शुक्रिया।